नमस्कार, मैं आपका देवभूमि मिरर के इवनिंग बुलेटिन में स्वागत करती हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। ग्राम पंचायत ददोही के सस्तर बली के लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी जी मौजूद रहे। लोगों ने अपने गांव की एक सड़क बनाने व हेडपंप की समस्याएं को नरेश कुमार दर्जी जी के सामने रखा। उपाध्यक्ष जी ने कहा कि अपनी जिला परिषद निधि से पैसे सेक्शन करवाए जाएंगे और सड़क निकालने के लिए गाँव वासियों को जेसीबी मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस मौके पर सस्तर वली गांव के लोग व समाज सेवी मुकेश कटोर जी मौजूद रहे। बंदना ठाकुर बने जिला महासचिव। एनके पंडित, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन कांग्रेस पार्टी भी आखिर चुनावों की शुभ बुगाहट के बीच हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। इसी सिलसिले में को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए मंडी के बधर क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली बंदना ठाकुर को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जिला महासचिव नियुक्त कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के आज कोरोना के 64 पॉजिटिव केस आए हैं। सराज के बागवान और किसानों को नहीं मिल रहे फसल के अच्छे दाम। सराज मंडी लीलाधर चौहान। सराज विधानसभा क्षेत्र में किसानों और बागवानों के हाल बेहाल दिखाई दे रहे हैं कि सरकार उन पर कोई भी ध्यान अब तक नहीं दे रही है। एक तरफ किसानों की सब्जियां तो दूसरी तरफ बागवानों के सेब की फसल भरपूर मात्रा में तैयार है, मगर अफसोस की मंडियों में दाम ना उनके बराबर मिल रहे हैं। वर्तमान समय में सेब की फसल जोरों पर है, मगर अफसोस कि यहां बागवान को मंडी तक पहुंचाने के लिए 500 खर्च करने के बाद भी सही से दाम नहीं मिल रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ परमाणु दिल्ली और पंचकुला मंडी में मात्र 500 से 600 प्रति पेटी के हिसाब से बागवान साथियों को प्राप्त हो रहे हैं, जिससे वे काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं।